तो दोस्तों आप लोगों ने तो अभी तक OnePlus की लॉन्चिंग वगैरह को देख लिया होगा, अनबॉक्सिंग वगैरह फर्स्ट रिव्यू देख लिया होगा, क्योंकि गाइस बहुत सारे YouTube लगभग सभी YouTube चैनल्स पर तो अभी तक अनबॉक्सिंग वीडियो आ ही चुकी है। तो गए फर्स्ट इंप्रेशन देखने के बाद आप लोगों ने तो ये भी प्लानिंग बना लिया होगा कि OnePlus मुझे OnePlus सीरीज का फ़ोन खरीदना है, चाहे OnePlus Pro खरीदना है, OnePlus R खरीदना है, OnePlus 9 खरीदना है। तो गाइज अच्छी बात है, फर्स्ट सेल आ रही है गाइज 1 अप्रैल को 9 प्रो की, एंड सेकेंड सेल में गाइज आपको OnePlus 9 R देखने को मिलेगी। गाइज उससे पहले एक बार आप ये वीडियो को एंड तक देख लेना, क्योंकि गाइज इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं क्या कुछ मिसिंग्स है इस OnePlus 9 सीरीज में, और क्या सच में ये रिलायबल है इस प्राइस सेगमेंट के साथ, इस प्राइस टैग के साथ। तो गाइज चलिए करते हैं वीडियो। OnePlus 9 Pro खरीदने की सोच रहे हो तो ठीक है, आप खरीदने की सोच रहे हो, बट क्या गाइज जो इस प्राइस सेगमेंट या प्राइस टैग के साथ OnePlus 9 Pro इंडिया में आ रही है, क्या वो सही है? तो गाइज मेरे ख्याल से नहीं। प्राइस टैग के साथ ये आ रही है, उस प्राइस टैग के साथ यहाँ पे कुछ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बात करूँ यहाँ पे कैमरे की, जब आप यहाँ पे एक पिक्चर्स क्लिक करते हो इस कैमरा, ऑफकोर्स ये हसल बिल्ड का कैमरा है, तो गाइज यहाँ पे कोई शक नहीं है कि बहुत अच्छा कैमरा है, ये टॉप लेवल कैमरा है, तो गाइज इसमें कोई शक नहीं। बट गाइज यहाँ पे OnePlus को कुछ और इम्प्रूव करने की ज़रूरत थी। जब आप फोटोज़ पिक्चर्स को क्लिक करते हो, जो कंट्रास्ट जो कलर एक्यूरेसी चाहिए वो हमें नहीं मिल पाता है। हम भाई 60,000-50,000 पे कर रहे हैं, तो हमें तो उस तरह का क्वालिटी फिगर भी ना चाहिए, उस तरह का क्वालिटी वगैरह भी ना चाहिए। तो आप देख लो जिस तरह से आईफोन 12 में आपको सही में वो प्राइस ज़्यादा ले रहे हैं, मतलब ज़्यादा क्या मतलब सही है, जिस हिसाब से वो प्राइस ले रहे हैं उस हिसाब से वो क्वालिटी भी दे रहे हैं। तो गाइज वहाँ पे कोई हमें प्रॉब्लम की बात नहीं है आईफोन वगैरह में। तो यहाँ पे आप 60,000-50,000 ले रहे हो, तो हमें उस तरह का क्वालिटी भी ना दोगे। तो आई होप गाइज की OnePlus वाले आने वाले अपडेट्स में इन सब बग्स को सही कर देंगे। तो गाइज यहाँ पे एक और बग्स है, जब आप फोटोज़ को क्लिक करते हो, जब अगर आप में हल्का सा भी झटका आ जाए, आपके शरीर में हल्का सा भी झटका लग जाए, तो आपका वहाँ पे शटर इशू आ सकता है। वो शटर इशू में क्या होगा गाइज, अब जब पिक्चर्स को क्लिक करोगे, हल्का सा आपका शरीर में टच होगा, आप हल्का सा हिलोगे, तो वहाँ पे आप अच्छा पिक्चर्स को क्लिक नहीं कर पाओगे, क्योंकि गाइज वहाँ पे शटर कुछ इशू है वहाँ पे। तो उसे भी शायद से OnePlus को सही करना चाहिए, आई होप कि नेक्स्ट अपडेट में इसे सही कर दे। तो अब नेक्स्ट आगे बात करें यहाँ पे गाइज OnePlus 9 की, तो गाइज वहाँ पे तो 20,000-30,000 में आपको OIS का सपोर्ट मिल जाता है कैमरा में, बट गाइज OnePlus 9 और OnePlus 9 R में आपको OIS का सपोर्ट नहीं देखने मिल रहा है। तो गाइज ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होने वाली है OnePlus 9 की। अगला चीज़ बात करें, OnePlus 9 Pro में आपको एक कैमरा देखने को मिलता है मोनोक्रोम। तो गाइज मैं उसका वर्क आपको बता दूँ, उसका कोई ज़्यादा वर्क नहीं है गाइज, आप पिक्चर्स को क्लिक करो तो उस कैमरे की मदद से आप ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स को कैप्चर कर सकते हो। तो गाइज मेरे ख्याल से तो वहाँ पे कुछ और कैमरे को यूज़ करना चाहिए, कुछ नया फीचर्स इसमें इनबिल्ट करना चाहिए था, जिससे गाइज इतना प्राइस ले रहे हो तो भाई कुछ तो यूनिक दोगे ना। तो गाइज मेरे ख्याल से वो यूजलेस है, आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट में जरूर से ज़रूर बताना। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करूँ गाइज फ्रंट कैमरे की, तो गाइज मैं पहले ही बता दूँ यहाँ पे गाइज आउटडेटेड जो फीचर्स वगैरह उसे यूज़ किया गया है। तो गाइज मे बी से इसे भी इम्प्रूव करना चाहिए, इसमें कुछ नया टेक्नोलॉजी ऐड करना चाहिए, या जो अभी लेटेस्ट सही चल रहा है बिल्कुल सही उसे यूज करना चाहिए था। यही कुछ इशूज़ और मिसिंग्स थे इस OnePlus 9 सीरीज का कैमरा वगैरह में। तो अब नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, एक और बहुत बड़ा इशू है, मैं कहूँगा बहुत ही बड़ा इशू है, क्योंकि गाइज यहाँ पे तो आपको बोलने का बोल दिया जाता है कि यहाँ पे आपको 5G चिपसेट देखने को मिल रहा है। तो बट गाइज एक्चुअल इसके पीछे ये है कि गाइज यहाँ पे आपको 5G सपोर्ट मिल रहा है, बट गाइज आपको 2 5G बैंड देखने को मिल रहा है। फर्स्ट गाइज आपको N41 एंड सेकेंड आपको N78। तो गाइज उससे पहले ही बता दूँ कि जो N78 है गाइज वो 3500 मेगाहर्ज पे वर्क करती है। तो गाइज मैं एक बात बता दूँ, कुछ मिलिट्री पर्पस के लिए गाइज इसे अभी यूज आप नहीं कर सकते हो। तो गाइज इससे तो ये पता चला कि यू यूजलेस है, इसका कोई इस बैंड का इस फ़ोन में यूज नहीं है, यहाँ तक किसी फ़ोन में गाइज किसी भी फ़ोन में आपको अगर N78 बैंड सपोर्ट मिले तो गाइज वो यूजलेस है, क्योंकि आपको मैंने बता दिया कुछ मिलिट्री पर्पस के लिए उसे नहीं यूज किया जाता। तो अब बचा गाइज N71, जो एक बैंड है N71 उसके बारे में बता दूँ गाइज, वो 2500 मेगाहर्ज़ पे वर्क करती है। तो गाइज वो जो 25 मेगाहर्ज़ है वो गाइज ऑलरेडी से जो गाइज 4G 3G टेक्नोलॉजी में यूज कर दिया गया, तो यहाँ पे बस आपको नाम का 5G सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर एक बात बताओ, आप अगर 60,000-70,000 रुपये पे कर रहे हो
तो गाइज आप आने वाले एक साल दो साल तक तो उस फ़ोन का यूज़ करना चाहते हो ना, बट गाइज़ यहाँ पे आपको ऐसा नहीं देखना, क्योंकि गाइज यहाँ पे आप जो ये मैंने आपको बता ही दिया कि ऑलरेडी से यहाँ पे जो 25 मेगाहर्ट्ज़ है उसे ऑलरेडी से 4G 3G बैंड में यूज़ किया जा रहा है। तो गाइस यहाँ पे आपको नाम का बस स्पीड कोई जो एक्सपीरियंस होता है 5G का वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, एक नाम का बस 5G आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से गाइस मेरा ओपिनियन है कि शायद से इसे भी इम्प्रूव करना चाहिए। तो मैं आपको अच्छी बात बता दूँ कि अगर वन प्लस वाले चाहे तो अपडेट्स की मदद से यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बैंड यहाँ पे कुछ दूसरा बैंड को ऐड कर सकते हैं। तो अब तो वो करता है डिपेंड कि वन प्लस वालों पे कि वो करना चाहते हैं या नहीं, या हो सकता है कि वो कर दें, तो वो तो आने वाले दिन में ही पता चलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट एक पॉइंट आ जाती है IP रेटिंग। मैं गाइज एक बात आपको पहले ही मैं बता दूँ गाइज कि आपको वन प्लस 9 Pro में बस IP रेटिंग का सपोर्ट देखने को मिल रहा है, बट जो 9R है उसमें आपको IP रेटिंग सपोर्ट नहीं देखने को मिल रहा है। मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि IP रेटिंग का वर्क क्या होता है। जैसे आप सुनते हो कि मेरा फ़ोन वाटर प्रूफ है, मेरा फ़ोन डस्ट प्रूफ है, तो गाइस वही स्पेशली इसका यही काम होता है, आप मतलब वाटर प्रूफ बनाना फ़ोन को, डस्ट प्रूफ बनाना, बट गाइस इसमें हमें सपोर्ट नहीं दिया गया है। तो गाइस ये भी एक डिसएडवांटेज होने वाली है, क्योंकि गाइस पता ही आपको इतना पैसा पे करूँगा गाइज, वो जो हमें 30,000-40,000 डिवाइस में देखने को मिल जाती है वो हमें यहाँ पे 50,000-60,000 के डिवाइस में नहीं देखने को मिल रहा है। तो गाइज ये एक पॉइंट आप नोट कर लेना। यहाँ पे बात करूँ गाइज वायरलेस चार्जिंग, तो गाइज मैं आपको एक बात बता, जो ग्लोबली वर्जन है उसमें आपको सभी फ़ोन में आपको वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलेगा। गाइज इंडियन वेरिएंट में क्या प्रॉब्लम है कि गाइज आपको सिर्फ प्रो वेरिएंट जो कि वन प्लस 9 Pro है उसी में आपको वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलेगा, बट गाइज यहाँ पे आपको जो वन प्लस नाइन है उसमें नहीं देखने को मिलेगा। गाइज यहाँ पे 50,000-40,000 पे कर रहा हूँ और मुझे वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी नहीं देखने को मिल रहा है, जो कि गाइज मुझे 20,000-30,000 फ़ोन में देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक पॉइंट नोट करने वाली है, तो आप इसे भी नोट कर लो। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे एक प्रॉब्लम और आती है बैटरी रिगार्डिंग। प्रॉब्लम क्या है गाइज, मेरे ख्याल से गाइज यहाँ पे कुछ और ज़्यादा mAh की बैटरी को यूज करना चाहिए था, क्योंकि मैं एक बात बता दूँ, एक मोड मिल रहा है आपको वन प्लस 9 सीरीज में, हसल ब्लेड मोड। उसमें होगा क्या गाइस, जब एक पिक्चर्स को क्लिक करोगे तो वो गाइस एक पिक्चर 15 से 20 MB में होने वाली है। तो गाइस ऑफकोर्स आप जब आप क्लिक करोगे फ़ोटो, तो गाइस ऑफकोर्स बैटरी कंजप्शन ज़्यादा होगा। तो इसीलिए गाइस मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा बैटरी देखने को मिलती तो अच्छी होती, बट गाइस ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, यहाँ पे आपको 60W का फास्ट चार्जर देखने को मिल रही है। तो गाइज आप मुझे अब कमेंट में बताना कि गाइज ये वर्थ है इस प्राइस टैग के साथ या नहीं है। मेरे ख्याल से तो गाइज कुछ ना कुछ मिसिंग है। अब आने वाले दिन में अगर इसे अपडेट करके सही कर दिया जाए तो सही है। अगर मेरा सजेशन मानो, अगर आप फ़ोन खरीदना चाहते हैं तभी रुक जाओ, आने वाले कुछ दिन में गाइज इसे भी अच्छा अच्छा फ़ोन आने वाली है, इसे अच्छा अच्छा डिवाइस आने वाली है, जो गाइज आपको इसे कम रेंज में इस कम प्राइस टैग में आपको अच्छी डिवाइस अच्छी फीचर्स देखने को मिलेगी। तो आई होप कि गाइज आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, और वीडियो का रिगार्डिंग कोई भी सवाल है तो मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हो। और एक बात और गाइज, अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लेना। आप गाइज फिर इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलता हूँ अगली बार, तब तक के लिए जय हिंद।